वी आर वेरी हैप्पी। अच्छा अच्छा, माने तो बहुत कुछ दिया है जी, फिर भी बहुत है जी। 200 क्विंटल तोड़ी एक टैंकर दे दियो पानी को खातर, क्यों गौशाला में अब जे पानी लेवा तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाए। ट्रैक्टर तो कह रहे हो हरेक मिल जाए, टैंकर सारा अंक कौन जी। और हमने नाम सुना था एक महान दानवीर का, कभी रूबरू नहीं हुए, बट पहली बार ऐसा मौका मिला कि हमें एक महान दानवीर से रूबरू होने का मौका मिला। आगे भविष्य में हम अपेक्षा रखेंगे कि वो हमें आने वाले समय में भी इस तरह की सहायता देते रहें। सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना एकमात्र विश्वनीय संस्थान। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के गाँव भगवान में। और यहाँ पे आप देखिएगा कि कप्तान मीनू बेनीवाल का काफिला जो है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। और आपको बता दें कि आज कप्तान मीनू बेनीवाल जो है वो राजस्थान के विभिन्न गाँव के दौरों पर हैं। करीब आधा दर्जन के लगभग जो है वो गाँव के दौरे जो है वो कप्तान मीनू बेनीवाल के द्वारा आज जो है वो किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तमाम तस्वीरें देखिएगा कि किस प्रकार से भगवान गाँव में जैसे ही एंट्री मीनू बेनीवाल ने की है तो गाँव के लोग जो है वो स्वागत के लिए यहाँ पे फूल मालाएँ पहना करके मीनू बेनीवाल का, कप्तान मीनू बेनीवाल का स्वागत जो है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। गांव के लोग जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में यहां पे इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। आगे अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूं तो देखिएगा कि किस प्रकार से गांव के युवा हैं और बुजुर्ग जो लोग हैं वो गांव के अंदर मीनू बेनीवाल का पहुंचने पर हार्दिक और भव्य स्वागत जो है वो उनका कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कप्तान मीनू बेनीवाल आज जो है वो हरियाणा और पंजाब के दोनों गाँव के जो है दोनों हरियाणा और राजस्थान दोनों प्रदेशों के अलग अलग गाँव के दौरों पर जो है वो आज मीनू बेनीवाल निकले हैं। तो क्या कुछ इन दौरों का खास मकसद है, क्या कुछ इस दौरों के माध्यम से लोगों को दे करके जाने वाले हैं, वो तमाम अपडेट जो है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मीनू बेनीवाल की अगर बात करें तो सुबह 9:30 बजे जो है वो इनके दौरे जो है वो शुरू हुए थे। एलनाबाद विधानसभा के गांव खेड़ी में गौशाला के एक कार्यक्रम में इन्होंने शिरकत की थी। उसके बाद बादरा विधानसभा के गांव नेठराना में गांव के अंदर एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। उसके बाद बादरा विधानसभा के गांव परलिका में इनका कार्यक्रम जो है वो रखा गया था। और उसके बाद भगवान गाँव के अंदर अभी कार्यक्रम जो इनका चल रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो इसके बाद पीलीबंगा विधानसभा के रावतसर कस्बा के अंदर मीनू बेनीवाल का कार्यक्रम जो है वो आज रखा गया है। तो इन तमाम कार्यक्रमों का क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है, क्या मुख्य सौगातें जो है वो इन तमाम गांवों के अंदर और कस्बों के अंदर जो है वो मीनू बेनीवाल के द्वारा दी जानी है, वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले मीनू बेनीवाल आज यहां पे जो है वो भगवान गांव के अंदर पहुंचे हुए हैं, तो यहां पे क्या कुछ मुख्य घोषणा जो है वो मीनू बेनीवाल के द्वारा की जाती है वो देखिएगा जरा। चलिए, टीम कप्तान मीनू बेनीवाल के एक सदस्य हैं हमारे साथ भर सिंह जी, वो उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आज अगर बात करें तो कप्तान साहब के कहाँ कहाँ पे कार्यक्रम थे और क्या क्या घोषणा है जो वो कप्तान साहब के द्वारा? आज लगभग 7-8 गांव में कप्तान साहब के दौरे हैं जी, जिसमें सबसे पहला दौरा तो हमने गांव खेड़ी में रखा था जी। वहाँ लगभग 1 करोड़ रुपए दिए थे जी, जोड़ की सफाई के हैं, पार्क के हैं, खेल स्टेडियम के हैं, लाइब्रेरी के हैं जी। उसके बाद में नेठराणा गौशाला में जी, जहाँ लगभग एक बहुत बड़े शेड का जी 4-5 करोड़ रुपए का वहाँ पहले राशि दे चुके हैं भाई साहब,
और आज उसकी नींव रखी थी जी। उसके बाद में पड़लिका गांव में जी, जहां भी लाखों रुपए की सौगातें दी गई थी जी। उसके बाद में ये नौर जी जो आश्रम है, कुष्ठ आश्रम, वृद्धाश्रम, उसमें भी लाखों रुपए की भाई साहब ने घोषणाएं की थी जी उनके लिए। और उसके बाद में भगवान गांव में जी आज 200 क्विंटल तूड़ी और एक पानी का टैंकर जी और एक बच्चों को खेल की किट दी गई है जी। और इससे आगे का प्रोग्राम अब रावतसर गांव में है जी। हाँ जी, तो क्या लगता है राजस्थान में ये जो भाई साहब ने इस बार प्रोग्राम किए, कार्यक्रम रखे, तो इनका उद्देश्य क्या मान सकते हैं हम? इनका उद्देश्य है, भाई साहब का उद्देश्य है और पूरी टीम का उद्देश्य है समाज सेवा करना ही है जी, और कोई उद्देश्य नहीं है भाई साहब का जी। और जैसे ही हो लोगों का विकास हो, ठीक है, यही उद्देश्य है जी। लगातार चर्चा ये भी आ रही है कि हरियाणा से भाई साहब ने सीधे राजस्थान में एंट्री मार लिया, बल्कि सिरसा जिले के और भी गाँव बाकी बचे हुए थे, तो उन गाँव को सौगातें मिलने का विषय? हरियाणा नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे भारत में भाई साहब की एंट्री हुई है जी। अच्छा, हाँ ठीक है। और लगभग पूरे भारत में भाई साहब ये जा रहे हैं जी, ऐसे ही घोषणाएं कर रहे हैं जी। हाँ, कप्तान ही कप्तान का जिक्र है। हाँ, दिल्ली से जयपुर तक, चंडीगढ़ से दिल्ली तक, दिल्ली से जयपुर तक कप्तान ही कप्तान हो रही है जी। कहीं कोई चीज़ की कमी नहीं आएगी, जहाँ युवाओं की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, जहाँ भी भाई साहब का जहाँ भी अपना कदम रखेंगे, वह युवाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, खेलों के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ने वाले कप्तान मीनू जी बनीवाल। उनका हम तहे दिल से गहराइयों से उनका धन्यवाद करते, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी, बिहार, कोई भी स्टेट हो, इसके लिए हमें उनका धन्यवाद करते हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, अब गांव के लोग जो है वो भगवान गांव के लोग क्या कुछ कहते हैं, जो कप्तान मीनू बेनीवाल ने इनको सौगातें दी हैं, उन सौगात को लेकर के गांव के लोग जो है गौशाला कमेटी के सदस्य हैं, वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ भगवान गाँव के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं हमारे आदरणीय, उनसे बातचीत करते हैं। तो जी, जो कप्तान साहब आपको सौगात दे के गए हैं, क्या क्या कुछ दे के गए हैं? एक दो टैंकर दिया है जी पानी का। अच्छा। और 200 क्विंटल तूड़ी दी है, बच्चों के खेलने के लिए किट दी है। अच्छा। तो आपने मांग क्या क्या रखी थी? हमने ट्रैक्टर ट्रॉली की मांग रखी थी, टैंकर की भी मांग रखी थी, पानी की मांग रखी थी और चारे की भी मांग रखी थी। अच्छा। सारी तो पूरी नहीं कर सके, पर हमें बहुत कुछ दिया। अच्छा, बहुत कुछ दिया, यानी कि संतुष्ट हो? हाँ, वी आर वेरी हैप्पी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत मतलब खुश हमें तो सामान देने से खुश बहुत ज़्यादा। हाँ, बात है। तो और गांव की कोई विकास की कोई सौगात जो है वो आपने नहीं डिमांड किया? गौशाला का करें, गौशाला खतरे बुलाया जाए। अच्छा, गौशाला के लिए बुलाया। हाँ जी अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, इतना सारा कुछ सामान दे दिया आपको? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात है, हम तो इसके लिए बैठे थे यहाँ और ये प्रोग्राम इसलिए किया था। अच्छा। हमारी मांग तो थोड़ी बड़ी थी, 500-600 क्विंटल तूड़ी, ट्रैक्टर ट्राली, एक टैंकर, ये गौशाला में जगह चीज नए उपलब्ध है बा करवा, पर फन माने तो बहुत कुछ दिया है जी। फिर भी बहुत है जी। 200 क्विंटल तूड़ी, एक टैंकर दे दियो पानी को खातर, क्यों गौशाला में अब जो पानी लिया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाए। ट्रैक्टर तो कह रहे हो हरेक मिल जाए, टैंकर सारा अंक कोनी जी। नहीं, बहुत बढ़िया काम करे, बहुत बड़ी काम करे जी। संतुष्ट होते हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे एक साथी और मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, ओवरऑल इस कार्यक्रम को लेकर के जो आपने मांगे रखी थी, वो सारी मांगे नहीं मान सके, कुछ एक उनमें से लगभग मांगे जो है वो कंप्लीट कर दी गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रहा उनका जो एक शॉर्ट टाइम का प्रोग्राम था, और हमने नाम सुना था एक महान दानवीर का, कभी रूबरू नहीं हुए, बट पहली बार ऐसा मौका मिला कि हमें एक महान दानवीर से रूबरू होने का मौका मिला। आगे भविष्य में हम अपेक्षा रखेंगे कि वो हमें आने वाले समय में भी इस तरह की सहायता देते रहें, क्योंकि हमारा सूखाग्रस्त क्षेत्र है, इसमें चारे की बड़ी एक विकट समस्या होगी। 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हमें सूखा चारा उपलब्ध हो रहा है, तो इस बार हमने देखा कि उन्होंने 200 क्विंटल, हमने 500 क्विंटल की मांग रखी थी, बट 200 क्विंटल की मांग उन्होंने पूरी की, तो बड़ा अच्छा रहा। 200 क्विंटल का भी बहुत होता है, बड़ी रकम हो गई। इस बार हरियाणा के बॉर्डर जो है वो सील कर दिए गए थे हरियाणा राजस्थान के, उस कारण से कहीं ना कहीं आपके यहाँ गौशाला में चारे की कमी? हाँ, ये एक बड़ा मेन फैक्टर रहा, क्योंकि पिछले दिनों में देखा गया था
कि उनके आने का जो पंजाब और हरियाणा से जो तूड़ी आती थी लगभग वहीं से आती है हमारे क्षेत्र में और उनके यहाँ से, तो वो नहीं आ पाई जिसकी वजह से तूड़ी की या सूखा चारा का भाव था वो आसमान छूने लग गया और 1000 रुपये पर क्विंटल हो गया। तो उसमें ये एक 200 क्विंटल भी देकर बड़ी रिलीफ महसूस की है हमने और हम अपेक्षा करते हैं कि गौ सेवा के क्षेत्र में जो उनका कार्य है और शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में जो सुना है उसकी पर वो खरा उतरने वाले आदमी हैं। चलिए जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। भगवान गांव की अगर बात करें तो तमाम गांव के लोग हैं जो बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो मांगे रखी गई थी कप्तान साहब के सामने वो लगभग जो है वो मांगे पूरी कर दी गई है। बाकी कुछ एक दो मांगे बची हुई है वो आने वाले समय में उनसे गुहार लगाई जाएगी और इन्हें पूरा भरोसा और उम्मीद है कि जो बची हुई मांगे हैं वो भी अति शीघ्र पूरा करने का काम कप्तान साहब के द्वारा किया जाएगा। गाँव के लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से सुना था कि दानवीर के नाम से कप्तान मीनू बेनीवाल हैं, लेकिन आज उनको रूबरू देख करके और जो उनके गांव के अंदर आए हैं तो वाकई में इनको एहसास हुआ है कि वाकई में दानवीर जो हैं वो सच्चे दानवीर हैं। जो मांगे इन्होंने मांगी थी वो लगभग मांगे जो है वो पूरा करने का काम किया है। कुल मिलाकर के भगवान गाँव के लोग काफ़ी संतुष्ट कप्तान साहब की इन सौगातों से दिखाई दिया है। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।